दुर्ग के शिवनाथ ब्रिज पर रात भर से खड़ी कार से सनसनी फैल गई है। रफ्तार मीडिया के पहल पर एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर निर्देश दिया। सर्चिंग के लिए एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को नदी में उतारा गया। कार मालिक पलाश अग्रवाल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इधर परिजन भी नदी के तट पर पहुंच गए और उनका रो रोकर बुरा हाल है। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के छोटे पुल में बीती रात 2 बजे से खड़ी अज्ञात कार ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद दुर्ग पुलिस हरकत में आई और जांच के लिए पुलिस टीम भेजी गई। पुलिस टीम शिवनाथ के छोटे पुल पर पहुंचकर खड़े काले रंग के कार की जांच की, जिसमें फ्रंट सीट पर रस्सी पड़ी मिली और 2 मोबाइल चालू हालत में मिले और बैक साइड में एक लैपटॉप का बैग भी मिला और कार के चारों गेट लॉक दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक कार का मालिक पलाश अग्रवाल है, जो रायपुर के HDFC बैंक में पिछले 3 सालों से कार्यरत है। 3 साल पहले इनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। पलाश अग्रवाल का परिवार राजनांदगांव में निवासरत है। पुलिस ने राजनांदगांव में निवासरत परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन भी आनन फानन में शिवनाथ नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने भी कार की तलाशी ली और कार पलाश अग्रवाल का होना ही बताया। परिजनों के अनुसार बुधवार रात पलाश को पता चला कि उसकी शादी का रिश्ता टूट गया है, जिसके बाद वह काफी दुखी था। उसके कुछ देर बाद ही शायद वह कार लेकर घर से निकल चुका था। इसकी जानकारी परिजनों को नहीं थी। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस को अंदाजा है कि शायद नदी में कोई घटना घटी हो। यही कारण है कि दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने SDRF की टीम को शिवनाथ नदी के तट पर तत्काल रवाना किया। SDRF की पूरी टीम और गोताखोरों की टीम भी बिना देर किए पूरे अमले के साथ शिवनाथ नदी के तट पर पहुंच गई और नदी की तलाशी लगातार अब तक जारी है, ताकि यदि कोई अनहोनी घटना हुई हो तो शायद कुछ जानकारी मिल सके। पुलिस ने घटना के बाद छोटे पुल के रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। इस छोटे पुल को पैदल यात्रियों के लिए खुला रखा गया था और नए बड़े पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए बीते कुछ साल पहले ही बनाया गया है, लेकिन छोटे पुल पर कार का रात भर खड़े रहना किसी अनहोनी को जन्म देता है। गोताखोरों और SDRF की टीम के सर्चिंग के दौरान स्थानीय लोगों के भी काफी भीड़ लग गई, जिसे पुलिस ने खाली करवाया। रफ्तार मीडिया के संवाददाता प्रशांत सिंह राजपूत ने जांच में जुटी पुलिस टीम और मछुआरे से बात की। उन्होंने भी तलाशी की बात कही। हमारे साथ खड़े हैं फुलगांव के थाना प्रभारी। आइए जानते हैं, जानकारी लेते हैं कि ये किस प्रकार की घटना है और ये किस प्रकार से हुई। ये किस प्रकार की घटना और कब से हुई? रात को मैं गश्त में था, मुझे पॉइंट मिला कि एक अज्ञात वाहन शिवनाथ नदी पुल के ऊपर खड़ी है। उसकी सूचना पर हमने अपने टीम से हाथ आकर यहाँ देखा तो वाहन की गाड़ी खड़ी है और इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। आपको अभी परिजन जैसे आए तो उनसे कुछ जानकारियाँ मिली कि वो कितने लोग थे, एक थे या दो थे? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं मिल जी। ये कहाँ से आ रही थी गाड़ी और कहाँ के लिए थी वो भी क्लियर नहीं है, बस इतना ही फाइंड था कि शिवनाथ नदी में अज्ञात वाहन खड़ी हुई है। उसके परिजन लगभग 5 मिनट पहले अभी पहुंचे हैं, रो रो के उनका बुरा हाल है। लेकिन रोते रोते उनके शब्दों का मैं अगर कुछ ध्यान से अगर सुन पाया तो उनका ये था, फैमिली प्रॉब्लम जो शादी से रिलेटेड था, शादी से जुड़ा हुआ कुछ बातें थी। लेकिन आइए जानते हैं जो इस कड़ी को जोड़ने के लिए सबसे प्रथम जो थे, अब उन मछुआरे जो यहाँ के निवासी हैं वो उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? श्याम कुमार ढिमर। श्याम कुमार ढिमर जी, आप कब देखे इस गाड़ी को? रात को 1:30 बजे की घटना है ये। जब गाड़ी खड़ा करके सब कोई नहीं दिखा यहाँ पर, तो फिर पुलिस प्रशासन को बताया कि यहाँ पर बीच पुल में खड़ा कर दिया है कार को, और फिर आया तो फिर बैरिकेड लगा के हम लोग बंद कर दिए रास्ता। तो पहले उससे पहले बैरिकेड लगा नहीं था? नहीं, पैदल यात्री से नीचे से जा रहे थे। अच्छा, 9 दिन के दुर्गा रखते हैं इसलिए वो पद यात्री जो है, जो पद यात्री हैं वो नीचे से ही जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं कुछ लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो कितने समय आपने कॉल किया? इसको तकरीबन 2 बजे, तकरीबन रात के 2 बजे, कल बीती रात, बीती रात को, क्योंकि पब्लिक लोग पदयात्री ही बताए हैं कि गाड़ी यहाँ पर खड़ा है ऐसा करके। हम लोग तो खैर 12-1 बजे तक जगते थे और उस टाइम में कोई नहीं था यहाँ पर, पब्लिक तो बहुत थे, और जब गाड़ी खड़ा हो गया तो फिर देखे कि इधर उधर कोई नहीं, आधा 1 घंटा देखे नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को बताए कार खड़ा है यहाँ पर और बैरिकेड लगा दो सर, यहाँ आने जाने को लफड़ा हो रहा है जी। ये
श्याम ढीवर जी से आपकी वार्तालाप हुआ, जिससे जानकारी मिली कि ये रात दो बजे बीती रात दो बजे गाड़ी लगभग गुमसुदगी की ओर एक खड़ी हुई है, जिसमें छोटे पुल में सिर्फ आप देख सकते हैं डोंगरगढ़ जाने के लिए यह मार्ग जुड़ता है राजनांदगांव के लिए मुख्य मार्ग के रूप में यह ब्रिज है, लेकिन छोटे इस पुल में सिर्फ डोंगरगढ़ जाने और पदयात्रियों के लिए ही यह पुल खोला गया है। और एक बड़ा पुल आप जो देख रहे हैं जो भारी वाहनों के लिए है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बैरिकेड लगे होने के बाद वो गाड़ी यहाँ आई, खड़ा किया, व्यक्ति गायब है, परिजन का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। यह कार आप देखिए, यह कार क्यों खड़ी है, रात से खड़ी है, इसका कारण क्या रहा, इसमें एक दो मोबाइलें रखी हुई है, मोबाइलें के साथ एक लैपटॉप है, लेकिन रात भर ये गाड़ी क्यों खड़ी है जो पैदल यात्रियों के लिए ही चालू किया गया था, ये सोचने और थोड़ा संदिग्ध वाली बात है।